हेलो गाइस नमस्कार, मेरा नाम करुणेश कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करुणेश के ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं बताने वाला हूं आज कि सरसों में पत्तियां सूखकर गिरती हैं, किस रोग से गिरती है, उसकी रोकथाम क्या है। मेरी फसल अच्छी सुरक्षित नहीं रह पाती है, उत्पादन नहीं मिल पाता है, छोटा ही पौधा रहता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी के लिए हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें सफ़ेद रतुआ रोग लगता है, सफ़ेद धब्बा पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पत्तियां अगर आगे सतह पिछले सतह दोनों तरफ की ये मुरझा के फसल गिर जाती है पत्तियां और फसल अच्छी नहीं रहती। इसकी रोकथाम के लिए हमें मेंटल फेसल डाइथेन या 45 का छिड़काव 15-15 दिन के अंदर कर देना चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी रहे। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा रोग लगता है मृदुमिल अस्था। तो दोस्तों इसमें जो है हमें बीज उपचारित कर देना चाहिए। बीज उपचारित के लिए हमें बावस्टीन 0.2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से करना चाहिए ताकि हमारी फसल में कोई रोकथाम ना लगे। और दोस्तों अगर इसकी रोकथाम के लिए हमें बावस्टीन 0.2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव 15-15 दिन के अंदर कर देना चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी रहे और अच्छा सा उपज दे। तो दोस्तों इसमें तीसरा रोग जो लगता है काला धब्बा, ये दोस्तों बहुत बड़ा काले धब्बे का रूप में होता है और इसमें बैंगनी कलर भी धब्बे के में दिखाई देता है और दोस्तों ये पूरी तरह से पत्ती को नाश कर देता है। इसके रोकथाम के लिए हमें बीज उपचारित बावस्टीन 0.2 ग्राम इसमें भी बीज उपचारित करके ही सरसों की बुवाई करना चाहिए। और इसके रोकथाम के लिए अगर हमारा पत्तियों में धब्बा अगर हो रहा है तो इसमें वही लेना है मेंटल फेक्सल डाइथेन एम 45, इसको 15-15 दिन के अंदर दो छिड़काव कर देना चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी हो जाए और अच्छा उपज दे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।